friends, and now we will start our new phyla, and it is Platyhelminthes. Platyhelminthes, आपका फाइला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है. अभी तक हमने पढ़े सिंपलेस्ट फाइला पढ़े थे वहाँ हमने, लेकिन ये हम डिस्कस कर चुके थे वहाँ ऑर्गन लेवल का वहाँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हुआ था. और यहाँ पे क्या हुआ है, ऑर्गन लेवल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो चुका है. और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ एनिमल्स आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गए हैं. और वहाँ हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ही डिस्कस किया था. तो देखो, Platyhelminthes आपको नाम इंडिकेट कर रहा है. Platy दैट मीन्स फ्लैट, एंड Helminthes दैट मीन्स वर्म्स. कीड़े जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्म्स कहते हैं. जो किस तरह के होते हैं, लॉन्ग इस तरह से स्ट्रक्चर जिन एनिमल्स का प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम उनको वर्म्स कहते हैं. तो आपने इनको नाम दिया Platyhelminthes फ्लैट वर्म्स. फ्लैट वर्म्स हैं तो देखो ये इतने पतले होते हैं कि इनकी जो डॉर्सल साइड है और जो इनकी वेंट्रल साइड है ये बिल्कुल फ्लैट होती है, बहुत पतली होती है, बिल्कुल टेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बहुत पतला सा, इसलिए आप इनको टेप वर्म्स भी कहते हैं. अब बात आती है Platyhelminthes की. Platyhelminthes का जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो क्या क्या है, तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट मीन्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स यहाँ डेवलप हो चुकी हैं. फिर बात आती है बायलेटरी सिमेट्रिकल. अगर आप किसी एनिमल को क्या करोगे, उसके इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हो, उसके किसी इमेजिनरी लाइन से उसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हो, तो क्या होगा, उसकी बॉडी इक्वली डिवाइड हो जाएगी. इस सिमेट्री को आप बोलते हो बायलेटरी सिमेट्रिकल. तो इस तरह के एनिमल्स क्या है, बायलेटरी सिमेट्रिकल है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, हम यहाँ से सीलोम की भी बात कर रहे हैं. इस फाइला में आप पढ़ोगे ये ए सीलोमेट है, यहाँ ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट फाइला पढ़ोगे, इसके आगे जाओगे तो आप पढ़ोगे वहां शूडो सीलोम है. मैंने कहा ना फाइला यहाँ से कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे. अब ये ए सीलोमेट है, नेक्स्ट फाइला शूडो सीलोमेट, और उसके आगे जब फाइला पढ़ोगे तो वहां प्रॉपर सीलोम डेवलप होगी. ठीक है, तो ये फाइला क्या है, ए सीलोमेट है. इनके इन एनिमल्स के पास में ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं है. ट्रू सीलोम होती है जब बॉडी कैविटी किससे लाइंड है, जब वो एंडोडर्म से लाइंड होती है, तो आप उसे कहते हो ट्रू सीलोम. ये हमने आपसे डिस्कस करा था जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था. ठीक है, अब बात आती है इसकी, मैंने इंपॉर्टेंट आपसे बात करी थी कि यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए हैं और ऑर्गन लेवल का क्या हो चुका है, यहाँ पे ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ग्रेड यहाँ ऑर्गन लेवल का है. ठीक है, अब ये जो एनिमल्स हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये एनिमल्स ज्यादातर एंडोपैरासाइट हैं. ये एनिमल्स ज्यादातर क्या है, एंडोपैरासाइट है. आपके बॉडी के अंदर रहकर आपके इंटेस्टाइन से, स्टमक से, लीवर से ये क्या करते हैं, ये वहां से नरिशमेंट लेते हैं और अंदर ग्रो करते रहते हैं बॉडी के अंदर. ये एनिमल्स में भी, एनिमल भी इनके होस्ट हो सकते हैं, जैसे पिग हो सकता है. इस तरह से क्या होता है, ये एंडोपैरासाइट एनिमल है. अब क्योंकि ये एंडोपैरासाइट से यूजली तो अंदर रहने के लिए, उनको एडहर करने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई ऑर्गन डेवलप होना चाहिए इनके पास में, जिसके साथ ये क्या सके, इंटेस्टाइन से या लीवर से ये क्या कर सके, चिपक सके. तो वहाँ क्या डेवलप होते हैं, इनके पास में जैसे ये स्ट्रक्चर है तो ऐसे छोटा सा इस तरह से कोई हुक प्रेजेंट है, या इस तरह से यहाँ सकर्स प्रेजेंट होते हैं. ये सकर्स है, इसके थ्रू ये क्या करता है, उसके साथ एडहर हो जाता है, और एडहर होने के बाद में वहाँ से क्या करता है, वहाँ से अपना नरिशमेंट लेता रहता है, सक्शन करता रहता है वो आपके ब्लड से नरिशमेंट का. तो इसलिए एंडोपैरासाइट होने के कारण इसके पास में क्या है, सकर्स प्रेजेंट है और इसके पास में हुक्स प्रेजेंट है. एंडोपैरासाइट होने का एक अडेप्टेशन और है इसके पास में, कि इसकी पूरी बॉडी पर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है. इसकी पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होती है, बाहर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है. क्यूटिकल प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह हैं वो इस पर वर्क नहीं करते हैं, और ये चुपचाप आराम से अंदर बॉडी में सर्वाइव करता रहता है, नरिशमेंट लेता रहता है. अब क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे, ये बॉडी के अंदर रह रहा है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन की तो जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादातर इन एनिमल्स में जो
रेस्पायरेशन होगा वो किस तरह का होगा, वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन होगा, वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन ही है वहां पे एनएरोबिक। और कैसे हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है रेस्पायरेशन, यहाँ उसकी जनरल बॉडी सरफेस करा रही है, क्योंकि एनिमल्स में क्या है, फ्लैट है बिल्कुल, डॉर्सली और वेंट्रली इनकी बॉडी क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, टेप की तरह फ्लैट है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन डेवलप होने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर्स की, कि फैटी हेलमिंथीज के पास में फ्लेम सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है फैटी हेलमिंथीज के पास में, जो इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है। ये क्या काम करेंगी, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन काम क्या है फ्लेम सेल्स का, ये एक्सक्रीशन का काम कराएंगे। किसका काम कराएंगी, एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन का काम कराएंगी, और यहाँ वाटर और सॉल्ट का रेगुलेशन करा रही है, इसीलिए आप बोल रहे हो इसको ऑस्मो रेगुलेशन। ओके वर्ड्स, इसलिए आप इसको बोल रहे हो ऑस्मो रेगुलेशन भी कहोगे और एक्सक्रीशन भी कहोगे, ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, अब बात आती है नर्वस सिस्टम की, यहाँ नर्वस सिस्टम डेवलप है और यहाँ पे गैंग्लियॉन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा वहां गैंग्लियॉन्स डेवलप होंगे, तो यहाँ इस फाइला तक आते आते क्या डेवलप हो गया है, गैंग्लियॉन्स डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका कॉम्प्लेक्स है, यहाँ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, विटेलाइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो क्या सिक्रीट कराएंगी, विटेलाइन सिक्रीट कराती हैं, जो इसके एग्स में यूजुअली जो आपने देखा है एनिमल्स के एग में विटेलाइन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट होगा, हमने एग की बात करी, अब ये जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट टाइप का भी हो सकता है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट मिल रहा है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिल रहा है। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ इस एनिमल में जो ये किस तरह के हैं, ये यूनिसेक्सुअल भी हैं, सेक्सुअल ये यूनिसेक्सुअल में है और बायसेक्सुअल एनिमल्स भी हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन की बात आती है, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल भी है बायसेक्सुअल भी है, तो ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी मिलेगा, यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी मिलेगा। ठीक है, जो स्पर्म है या ओवा है, स्पर्म का डायरेक्ट ये क्या कर देता है, जो इसका ओवा वाला पार्ट है वहां पे क्या करेगा, डायरेक्ट ओवर के पास में स्पर्म सिक्रीट करा देता है, तो क्या होता है, इसलिए आप इसको बोलते हो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन दो एनिमल्स के बीच हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है ये पैरासाइट्स है, तो इसका लाइफ स्पैन जरूरी नहीं है एक ही एनिमल में कंप्लीट हो जाए, ये भी उसके होस्ट 2 से 3 भी हो सकते हैं, इसलिए कहा है इसके पास में 1 से ज्यादा होस्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो आप पढ़ोगे, आपने सिंपल देखा है स्कैरिस देखा है आपके लैब में, तो स्कैरिस इसका एग्जाम्पल है, टीनिया सोलियम इसका एग्जाम्पल है, फिशियोला हिपैटिका, आप उसको फिशियोला भी बोल सकते हो, फिशियोला देखो, फिशियोला इट इज फिशियोला, फिशियोला स्कैरिस एंड टीनिया। तो हम इसके एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, प्लैटी हेलमिंथीज फ्लैट वॉर्म्स है, डॉर्सो वेंट्रली इनकी बॉडी फ्लैट है, फिर बात आती है ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है और ऑर्गन लेवल का यह बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गया, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बायलैटरल सिमेट्रिकल है, एसिलोमेल्स है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं है, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है, एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है इसीलिए हुक्स और सकर्स प्रेजेंट है न्यूट्रिशन के लिए, और हुक्स प्रेजेंट किस लिए है, उससे एडहर करने के लिए, अडेप्टेशन उसके लिए और डेवलप, उसको आपकी बॉडी के अंदर रहना है, आपके डाइजेस्टिव जूस उस पर वर्क ना करें तो वो क्या है, क्यूटिकल भी उसकी बॉडी पर प्रेजेंट होता है। यहाँ जो रेस्पिरेशन होगा प्लेटफॉर्म्स है, इसके ऑर्गन डेवलप नहीं है, जनरल बॉडी सरफेस से ऑर्गनाइज इसका रेस्पिरेशन हो रहा है, जो रेस्पिरेशन है वो बॉडी सरफेस से हुआ, एन एरोबिक टाइप का हुआ, कैसा हुआ, एन एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन है, क्योंकि ये क्या है एक एंडोपैरासाइट है, इसीलिए क्या है एन एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा है। फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रही है। इसका जो सिस्टम है वो उसमें यहाँ नर्वस सिस्टम है, तो न्यूरॉन्स डेवलप है, न्यूरॉन्स सॉरी यहाँ गैंग्लियॉन्स प्रेजेंट है। और बात आती है डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो टाइप का डेवलपमेंट प्रेजेंट है। हम अगर एनिमल्स की बात करें तो वो यूनिसेक्सुअल भी हैं, बायसेक्सुअल एनिमल भी प्रेजेंट है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स में परफॉर्म हो रहा है, और यहाँ 1 से ज्यादा होस्ट में ये अपना लाइफ स्पैन पूरा करता है।
एग्जाम्पल जो आप देखेंगे वो देखेंगे स्कैरिस है, टीनिया है और फेशियोला इसका एग्जाम्पल्स है. ओके नेक्स्ट फाइला डिस्कस करेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके थैंक यू. जय हिंद जय भारत.